सब्सक्राइब कीजिए एसके ऑफिशियल चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी यूट्यूब एंड स्क्रीन कैसे लगा सकते हैं और अपने वीडियो में आप आई कार्ड कहीं पर भी कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए जाना है आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आपको अपने चैनल से लॉगिन हो जाना है और आपको अपनी यूट्यूब स्टूडियो में आ जाना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो है स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अपने वीडियो का, आपको यहाँ पर अपने वीडियो मैनेजर में आ जाना है। जो भी आपके चैनल पर वीडियो होंगी वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है हमारे चैनल की सभी वीडियो शो हो चुकी हैं। अब आप जिस वीडियो के ऊपर यानी जिस वीडियो में भी आप एंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं या आई कार्ड लगाना चाहते हैं, तो आपको उसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना होगा। तो मान लो मैं इस वीडियो पर जो है एंड स्क्रीन लगाना चाहता हूँ, तो आपको वीडियो पर टाइटल पर क्लिक करने बाद आपके सामने ये ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, पेंसिल वाला जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने बाद यहाँ पर आपकी वीडियो की सेटिंग जो है ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर अपने जो है राइट साइड में आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होंगे एंड स्क्रीन एंड आई कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एंड स्क्रीन का ऑप्शन है, नीचे आपको कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको एंड स्क्रीन लगाने के लिए एंड स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इस वीडियो के ऊपर जो है एंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर आपको ये काफ़ी सारे बॉक्स मिलेंगे, इनके अंदर आपको अलग अलग तरीके से आप इनके अंदर एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको यहाँ पर दो वीडियो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि हाल ही के वीडियो से इंपोर्ट के जो भी आपने पिछले वीडियो में जो भी एंड स्क्रीन लगाए थे, अगर आप उन्हीं को लगाना चाहते हैं तो सिंपल से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो ऑटोमेटिक लग जाएंगे जो आपने अपने पिछले वीडियो में लगाए थे। उसके ऊपर यहाँ पर दूसरा बॉक्स आपको मिलता है, इसके अंदर आपसे कहा जाता है एक वीडियो और एक सदस्य, यानी आप इसके अंदर एक वीडियो और एक सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आप एक प्लेलिस्ट और एक सदस्य बटन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप दो वीडियो लगा सकते हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो अलग अलग टेम्पलेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इस वाले बॉक्स के अंदर आप ठीक यहाँ पर एक प्लेलिस्ट और एक वीडियो लगा सकते हैं। और इस वाले बॉक्स के अंदर अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो एक वीडियो, एक प्लेलिस्ट और एक सब्सक्राइब बटन आप लगा सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो के अंदर अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसे आपको चार वीडियो लगाना है या तीन वीडियो लगाना है या दो वीडियो लगाना है या उसके साथ आपको कोई भी सब्सक्राइब बटन या प्लेलिस्ट लगानी है, तो आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा एलिमेंट का। ठीक है, तो आपको इस एलिमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले वीडियो, अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं तो आप वीडियो पर क्लिक करेंगे। अगर आप प्लेलिस्ट लगाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब बटन लगाना चाहते हैं सब्सक्राइब बटन, या फिर किसी चैनल का लिंक लगा सकते हैं, या फिर आपको नीचे जो भी आपने जो भी आपके चैनल पर मर्चेंडाइज जो आपने किए हों आप वो प्रोडक्ट भी यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वीडियो लगाना चाहता हूँ तो मैं वीडियो पर क्लिक करूँगा। वीडियो पर क्लिक करने बाद यहाँ पर जो है नीचे सबसे आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद यहाँ पर जो भी आपके चैनल पर वीडियो अपलोड है वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी वीडियो को लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके चैनल पर जो वीडियो है जिसे आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर इन वीडियो के अंदर नहीं है, तो आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर वीडियो का। यहाँ पर आप उस वीडियो का टाइटल सर्च करने के बाद उस वीडियो को यहाँ से सर्च कर सकते हैं जो भी आपके चैनल पर वीडियो है। जैसे ही आप टाइटल डालेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिक आपके यहाँ शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी जो है वीडियो सेलेक्ट कर लेना। तो या मैं यहाँ से कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ये वीडियो लग चुका है। अब इसको कहीं पर भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको दूसरा वीडियो लगाने के लिए फिर से एलिमेंट पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ से आप चुनेंगे अपने हिसाब से जो भी आपको लगाना है। तो मैं फिर से वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, फिर से मैं नीचे वीडियो पर जाता हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरी सभी वीडियो शो हो जाएंगी। तो फिर से मैं इनमें से कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ और यहाँ पर मेरा दूसरा वीडियो भी लग चुका है। तो मैं इस वीडियो में फ़िलहाल दो ही वीडियो लगाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी जो है वीडियो या सब्सक्राइब बटन या प्लेलिस्ट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उसके बाद सेव कर देना है। सेव पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एंड स्क्रीन सेव हो जाएगी। उसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है आई कार्ड का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है।
तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये दूसरे पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आपकी वीडियो शो हो जाएगी, यहाँ पर आपकी वीडियो की लेंथ शो हो जाएगी। अब जहाँ पर भी आप जिस जगह पर भी जितने मिनट या जितने सेकंड पर भी आप आई कार्ड लगाना चाहते हैं आप उसको यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर जो है मेरा आई कार्ड लग जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर नीचे शो होगा, जैसे यहां पर मैं यहां पर आई कार्ड लगाता हूं तो यहां पर 46 सेकंड पर जो है मेरा आई कार्ड शो हो जाएगा। ऐसे ही आप जहां पर भी जो है लगाना चाहते हैं वहां पर आप एक से ज़्यादा आई कार्ड भी यहां पर अलग अलग मल्टीपल मिनट्स पर जो है लगा सकते हैं मल्टीपल आई कार्ड। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको आई कार्ड पर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कार्ड जोड़े का, ऐड कार्ड का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप जो है कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी अगर आप वीडियो या प्लेलिस्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप चैनल या फिर आप कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लिंक आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो या प्लेलिस्ट सेलेक्ट करूँगा तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जो मैं प्लेलिस्ट लगाने वाला हूँ अपने कार्ड में, तो यहाँ से मैं अपनी कोई भी प्लेलिस्ट जो है सेलेक्ट कर लूँगा और नीचे ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है हमारी प्लेलिस्ट हमारी वीडियो के अंदर ऐड हो चुके हैं, यहाँ पर एक हमने प्लेलिस्ट लगा चुके हैं। अगर आप और भी आई कार्ड लगाना चाहते हैं कोई भी अपने आई कार्ड में वीडियो या प्लेलिस्ट या कोई भी आप सब्सक्राइब बटन लगाना चाहते हैं तो आप फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से आप इसी तरीके से कई जो है आई कार्ड अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। ठीक है, बैक आने पर आपको फिर से उसी पेज पर ये ले आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके से अब आपका एंड स्क्रीन एंड आई कार्ड दोनों लग चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन एंड आई कार्ड लगा सकते हैं और व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी वीडियो का जो है एक तरीके से प्रमोशन हो जाता है। जब भी कोई व्यूवर्स आपकी वीडियो देखता है, जैसे आपकी वीडियो एंड होती है तो अगर उसको आपकी वीडियो देखने का मन है तो आज जो भी आपने एंड स्क्रीन में वीडियो लगाई हुई है उनके ऊपर क्लिक करने बाद सीधा वो उनको प्ले कर सकता है, या फिर आई कार्ड को ओपन करने बाद कोई भी आपने प्लेलिस्ट लगाई हुई या वीडियो लगाई हुई है उसको भी वो प्ले कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हैं इस जो है टूल का यूज़ करने के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक।